आप लोग जो है स्कूल बाल बच्चे से बैठे हैं क्या था अभी क्लास चलाते हैं क्या है बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है। एक महीने का एक दिन की बच्ची से लेकर के मौत तक, वो तीन साल छोड़ दी, एक दिन की बच्ची से लेकर के मौत तक जो भी हमारी माँ बहनें ये लिपस्टिक लगाती है, और लिपस्टिक लगाने के बाद सबसे बड़ा नुकसान तो इसका यह है कि वो लिपस्टिक लगाने के बाद जब वो वजू करती है, नमाज पढ़ती है, तो उनकी नमाज ही नहीं होती। क्यों? इसलिए कि तमाम लोगों ने इस बात की तरफ रिसर्च किया है कि लिपस्टिक के अंदर वो पॉइजन होता है, वो चिकनापन होता है कि पानी चमड़े के अंदर नहीं पहुंचता, एक चीज, और उसमें ऐसे चर्बी होते हैं जो बच जानवर के चर्बी हुआ करते हैं, समझ में आ रही? तो तमाम शरीयत इस्लामिया ने बिल्कुल इसको हराम और नाजायज फरमाया। अब अगर कोई औरतें इस बात को कर रही है और लगा रही है, तो अब उस औरतों पर, तमाम के तमाम औरतों पर तौबा करना जरूरी है लिपस्टिक लगा करके। आज तो 50 साल की अगर है तो वो फैशन वगैरह कर करके जाती है, नमाज के लिए अगर वजू करने के लिए बोला जाए ना उनको, तो कहते हैं नहीं अभी तो हमने फेस पैक लगाया, फेशियल किया है, अगर हम वजू कर ले तो पूरा फेशियल खत्म हो जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मंद फजर की नमाज पढ़ता है तो खुद ब खुद अल्लाह उसके चेहरे में नूर पैदा करता है, नूर पैदा, ये आर्टिफिशियल नूरी चीज जो है वो नहीं लगा। इसीलिए आज से हम तमाम बड़ों के ऊपर भी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी नहीं, हम बड़ों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि अपनी औरतों को इस बात से रोके कि आप तमाम औरतें इस चीज का ख्याल ना करें कि लिपस्टिक लगा रहे हो या नेल पॉलिश जो होती है, नेल पॉलिश भी होती है, लिपस्टिक हो, नेल पॉलिश हो, ये सब चीज क्या है, या बिंदी हो जो बिंदी लगाते हैं, या वो एक और कुछ होता है यहाँ पे जो सर पे लगा लेते हैं, बाद गांव की औरतें क्या है सर पे लगाते हैं सिंदूर, ये सब चीजें लगाना बिल्कुल हराम और नाजायज है। अगर ये चीज लगा करके नमाज पढ़ रही है तो उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि जब वो वजू करेगी तो उसका वजू नहीं होगा। तो तमाम लोगों पर जरूरी है कि जो आज तक कर चुकी है तो वो तौबा करे और उन चीजों से रुक जाए, ठीक है जी। और एक